अज आदमपुर के वख वख पिंडा दे तकरीबन 200 तो वध लोग इलाके दे विधायक पवन तीनू दे नाल जलंधर दे डीसी दफ्तर पुजे, जिन्हां दी समस्या है कि उन्हां दे जो नीले कार्ड हन ओह कट दित्ते गए हन अते कहा गया है कि ओह गरीबी रेखा दे विच नहीं आउंदे। हालांकि जो इत्थे लोग पुजे हन उन्हां दा कहना है कि ओह दिहाड़ी मजदूरी करदे हन। गरीबी रेखा च ना है तुसी जाके एक बार साडा घर भी देख सकदे आ कि असीं गरीब लोक हैगे आ जां नहीं, मजदूर असीं करदे आ, दिहाड़ी कितें लगदी कितें नहीं लगदी, तां वी असीं इदां ही गुजारा करदे आ, साडी कोई सुनवाई नहीं करदी। क्यों कीता जा रिहा पता नहीं, आदमपुर के विधायक पवन टीनू का कहना है कि कांग्रेसी सिर्फ अपने समर्थकों के ही काम कर रहे हैं, हालांकि जो सरकार कह रही है अजिहा कुछ नहीं किया जा रहा। इस मौके पर उन्होंने कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ लारियां के मुख्यमंत्री हैं। देखो पूरे पंजाब च होएगी ये प्रॉब्लम, साढ़े हल्के आदमपुर च पिंडा च बहुत सारे जेन्युइन गरीब लोग आ जिहड़े गरीबी दे मारे आ, बेरोजगारी दे, करोना दे, उन्हां दे नीले कार्ड नहीं बने, ते जे किसे दे बने भी आ तो उन्हां दे विचों उन्हां दे मैंबरां दे नां कट्टे गए। वो मुश्किल बहुत वड्डी आ, वो लैके अज असीं डिप्टी कमिश्नर साहब नूं मिले सीगे, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने दस्या भी सिर्फ एक खास पार्टी जी रूलिंग पार्टी कांग्रेस की है वो वोटर के कार्ड बनाए जा रहे हैं, बाकिया के नहीं बनाए जा रहे। एक स्टिकर सिस्टम जहाँ शुरू किया बहुत भैड़ा जोड़ा गैर कानूनी है, तो गैर संविधानिक है। सारे दफ्तर जोड़े आ उन्होंने दरकिनार कर दिता, दफ्तर के अफसर बिल्कुल डिफंक्ट कर दिता, तो सारा कुछ ही हम राजनीतिक कांग्रेस के हत्थां ने अपने हत्थां विच लै लिया। सो वो असी डीसी साहब की जानकारी लिया, सैकड़े जेन्युइन लोग आ, बीबिया बेचारियां बच्चे नाल आ, कई बेचारियां विडो आ, कई कई दिसदा भी नहीं, हैंडीकैप आ, बेरोजगार भी आ, उन्हां दे नीले कार्ड बनाउण लई अज डीसी साहब नूं मिले आ। उन्होंने डी एफ सी जिहड़े आ डी एफ एस सी उन्हां दी ड्यूटी लाती आ, हुण असीं उन्हां दे दफ्तर चले आ, सारे फार्म साढ़े कोल आ, तकरीबन 200 तो वध आ, वो जमा करा के फिर देखते हैं कि नीले कार्ड बनाने वास्ते की कर। टीनू जी लगातार तुम इस नीले कार्डा के आवाज चकते आ रहे हो, फिर भी नहीं अज तुम डीसी साहब न सारे आदमपुर के लोगों को कट्ठे करके लैके गए घर वो अपने मौजूदा एम एल ए हल्के पार्टीबाजी लैके इस तरह इधर करना तुम। देखो ये बड़ा गैर कानूनी गैर संविधानिक आ, भी लोग तो यह समझते आ भी खरिया विधायक न स्टिकर दिते जाते हैं, विधायक नहीं देंगे, ये देंगे कांग्रेसी लीडर जो भावें एम एल ए ना भी होनू देंगे। इस मौके पर पवन टीनू डीसी घनश्याम थोरी मिले, जिथे उन्होंने ड्यूटी लगा दी है कि जो भी जनरल लोड़वंद हैं उन्होंने तुरंत नीले कार्ड बनाए जाण। सो अज साडे कोल इतने एम एल ए आदमपुर लैके आए थे कुछ बेनीफिशरी जिहड़े कह रहे थे जिन्हां दे जेन्युइन ने बट नहीं होए हैं उन्होंने प्रोसैस स्मार्ट राशन कार्ड लई। सो डी एफ एस सी साहब न भी असी मौके पर बुला लिया सी, उन्होंने असी कहा भी ये बेनीफिशरीज के फॉर्म इकट्ठे करके इन्हों का वेरीफिकेशन प्रोसैस चालू करवाओ, जिहड़े जेन्युइन बेनीफिशरी होणगे उन्हों का अगे ये भी चैक कर लेंगे, क्योंकि पिछले एक दिक्कत ये भी आ रही है कि जो नैशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो अंडर एक कैपिंग की हुई है भी इन्ने परसेंटेज जी हैगी स्टेट नूं अलाउड है अंडर द नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो कई बार ये भी दिक्कत आती है भी वो पोर्टल जी है रोक लेंगे। सो पिछले भी जे असी सुविधा कैंप्स भी लगाए थे भी असी फ्रैश फॉर्म नहीं लेते हुए क्योंकि करंटली पोर्टल ही बंद है, पर असी देख लेंगे कि एटलीस्ट वेरीफिकेशन का प्रोसैस पूरा कर लिता जाए एंड जेडे जिदा ही पोर्टल खुलती है सो जेन्युइन बेनीफिशरीज़ नूं उहदा बेनीफिट जरूर दिता जाए। सर उन्होंने एक है भी कहा कि स्टिकर विधायकों को दिते जा रहे हैं वो अगो विक्री हो रही है उस स्टिकर। देखो ये बारे मैं पहले भी कहा है, पहले भी मैंने मिले थे, सो इट इज़ ओपन कि किसी भी बेनीफिशरीज़ का जेकर फॉर्म इन्होंने देना है सो वो सानू अप्रोच करके असी डी एफ एस सी पहले भी हिदायत दी है।